आर नाइक, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंडिया। आज हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4। इन दिस प्रैक्टिस सेट 5.4 वी विल बी डूइंग दिस फॉर्मूला। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली वी विल बी डूइंग सॉल्विंग ऑल द सम्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एज सिंपल एज दैट इट इज, वेरी मच इजी फॉर्मूला इट इज। पहले क्या करने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लो, बाद में प्लस 2ab से मल्टीप्लाई करो प्लस 2bc से, बाद में प्लस 2ac से, करेक्ट। सो ये फॉर्मूला के ऊपर हमारा प्रैक्टिस है 5.4 है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि पहले आप लोगों ने मेरा 5.3, 5.2, 5.1 प्रैक्टिस सेट तो देखे रहेंगे। अगर नहीं देखे रहेंगे प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड सी माय सम्स व्हाट आर सॉल्व इट। नाउ कमिंग बैक टू प्रैक्टिस सेट 5.4 दैट गिवन यू एज 2p प्लस q प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे पहला 2p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 into 2p into q करेंगे, क्योंकि 2ab है ना, तो 2 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, सो 2 into 2p into q प्लस 2 into second term and third term, q into 5 प्लस 2 into first term and third term मीन्स 2p into 5। बहुत इजी फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू अभी 2p का स्क्वायर कितना होता है 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2 इंटू 2 हो गया, यू कैन पुट इन द ब्रैकेट 2 इंटू 2 हो गया 4, पी क्यू बच गया प्लस 2 इंटू 5 इज 10 q प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 इज 20 पी, बस हो गया। दिस इज ऑफ सॉल्व द सम, योर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। इट इज 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20p। सो आई टोल्ड यू इट इज वेरी मच इजी सम। इट इज डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूला व्हिच आर डन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड। नाउ वी डू विद द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट। What is being given to you? They are given you as m plus 2n plus 3r. m plus 2n m plus 2n plus 3r ka square. Correct? Like this way they have given it to you. So here, based on this formula, hum log kya karenge? Pehla iska square, baad mein iska square aur iska square. Tino ko plus. To m square प्लस 2l का स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद क्या, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सो 2 इंटू m इंटू 2n ब्रैकेट में डाल दो प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म यानी 2n इंटू 3r प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो m इंटू 3r, करेक्ट। सो यू आर गेटिंग योर एज एम स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4l स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9r स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना 4mn प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12nr, n और r ही अल्फाबेट है बाकी कोई अल्फाबेट नहीं है, प्लस 2 इंटू 3 कितना 6mr। सो लाइक दिस वे इट इज वेरी मच इजी। सो यू गॉट द आंसर फॉर सेकेंड वन, इट इज m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 9mr स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6mr, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी सी टू क्वेश्चन नंबर 3, 3x x
प्लस व्हाट इज बी गिवन टू यू ऑल 3x प्लस 4y माइनस 5p प्लस 4y माइनस 5p का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर। तो उठा हो पहला 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस माइनस पी का स्क्वायर, करेक्ट? क्यों? क्योंकि प्लस सी स्क्वायर है, सी का मतलब है माइनस 5p। याद है, समझ में आया? बाजने का साइन है प्लस 2 इंटू ए बी, 3x इंटू 4y, 3x इंटू 4y, करेक्ट? प्लस 2 इंटू 4y इंटू माइनस 5p, करेक्ट? बाद में प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, 3x इंटू माइनस 5p। सो व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर हियर? सो लाइक दिस वे ऑफ फॉर्मूलाज आर वर्किंग। सो राइट इट डाउन, 3x इंटू माइनस 5p। सो अवर आंसर विल बी 3x स्क्वायर का आंसर आता है 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आता है 16y स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। सो माइनस 5 इंटू माइनस 5 होता है प्लस 25। सो प्लस 25p स्क्वायर प्लस 3 टू द 6, 6 फोर द 24xy। बाद में क्या आता है, प्लस 2 इंटू 4 8, 8 5 द 40। सो लिखो 40, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस इंटू प्लस क्या होएगा, माइनस वाई पी लिखो वाई पी। बाद में क्या, 3 टू द 6, 6 5 द 30, क्या साइन है, माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। सो इट इज एक्स पी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो गेटिंग द आंसर एज 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 40py और yp माइनस 30xp। इट इज लाइक दिस वे। सो आई कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सर। 7m माइनस 3n, 7m माइनस 3n माइनस व्हाट इज बी गिवन टू योर 4k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। तो लिखो 7m स्क्वायर प्लस माइनस 3n का स्क्वायर प्लस माइनस 4k का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 7m मल्टीप्लाई बाय माइनस 3n प्लस वापिस 2 इंटू माइनस 3n इंटू माइनस 4k प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, मीन्स 7m इंटू माइनस 4k। कंप्लीटेड? व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर? व्हाट यू हैव डन हियर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू वन सेकेंड टर्म, 7m इंटू माइनस 3n, बाद में 2 इंटू माइनस 3n इंटू माइनस 4k, देन प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, 7m एंड माइनस 4k। सो वेर आर द माइनस साइन, जस्ट पुट अ ब्रैकेट हियर। सो गेटिंग द आंसर इज 7 स्क्वायर इज 49m स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 3 बिकम प्लस, सो 3 इंटू 3 इज 9n स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज प्लस 16 एंड k स्क्वायर विल बी एज इट इज, 7 3s आर 21, 21 2s आर 42, राइट हियर 42mn। लेकिन साइन क्या डालेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। वैसे यहां पे 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अल्फाबेट क्या क्या है यहाँ पे, एन और के है, देखो एन और के, बाद में देखो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, तो प्लस साइन रहेगा यहाँ पे,
बाद में वापिस यहाँ पे करो 7 2 जा, नहीं तो पहले करो 2 4 जा 8, 8 7 जा, तो 7 8 जा 56, तो लिखो यहाँ पे 56। अल्फाबेट क्या है, M और K है, तो लिखो M और K। बाद में क्या साइन है, प्लस, प्लस इन टू माइनस इज वॉट माइनस। तो लाइक दिस वी गॉट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एज 49 m² प्लस 9 n² प्लस 16 k² माइनस 42 mn प्लस 24 nk माइनस 56 mk। इट इज लाइक दिस वे। सो यू कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑल द सब पार्ट 4 वेर कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।